Hey guys, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस Wcc3 में आने वाली है ब्रांड न्यू मेगा अपडेट। तो गाइस इस न्यू मेगा अपडेट में आप लोगों को कौन से फीचर देखने को मिलने वाले हैं, क्या होगी इसकी रिलीज डेट, सब आप लोगों को आज की वीडियो में पता चल जाने वाला है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि Wcc3 अपने सारी क्रिकेट फैंस को अपने हर मंथ अपडेट देती रहती है। तो गाइस यहां पे भी आप लोगों को नेक्स्ट मंथ की तरफ से अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इस मंथ का अपडेट तो आ चुका है, आप लोगों को पता है बक्स फीस अपडेट आया था 10 अगस्त को, उसके बाद से कोई अभी अपडेट नहीं आया। तो गाइस अब नेक्स्ट मंथ आप लोगों को इनके तरफ से अपडेट देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट मेगा अपडेट होने वाली है। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट इसलिए मेगा अपडेट होगी क्योंकि गाइस लास्ट अपडेट जो नहीं थी इसमें कोई भी फीचर ऐड नहीं करे गए थे, मात्र आप लोगों को बक्स फीस देखने को मिला था, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं करा गया था। तो गाइस आने वाली अपडेट में जो आप लोगों को फीचर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यू स्टेडियम। तो गाइस बहुत टाइम हो गया इसमें न्यू स्टेडियम ऐड नहीं हुए, तो गाइस बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यू स्टेडियम आ जाए। साथ ही में गाइस आप लोगों को पता है कि वुमेन क्रिकेट में अभी तक इसमें कमेंट्री ऐड नहीं करी गई, तो गाइस के पीछे क्या रीजन है मुझे नहीं पता है, बट गाइस आने वाली अपडेट में हो सकता है इसको ऐड कर दिया जाए। तो गाइस आप लोगों को पता है Wcc3 जिस समय लॉन्च हुआ था तो वुमेन क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा इन्होंने हाइप बना के रखा था कि हाँ वुमेन क्रिकेट इसमें आने वाला है, फर्स्ट टाइम ऐसा मोबाइल क्रिकेट गेम होगा जिसमें वुमेन क्रिकेट आएगा। बट गाइस उसको आने के बाद उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब इतना ज्यादा खास नहीं था, मात्र उसमें आप लोगों को क्विक मैच की तरीके से एक मतलब वुमेन क्रिकेट उसमें आप लोग क्विक मैच बस प्ले कर सकते और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा गया, तो बहुत ही ज्यादा मुझे बकवास लगा था। तो गाइस जितने बहुत सारे गर्ल्स भी इसको मैच को खेलती हैं Wcc3 को, तो गाइस यहाँ पे उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब गलत बात है। तो गाइस Wcc3 को इसमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना चाहिए, जैसे कि आप लोग इसमें वर्ल्ड कप भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और साथ ही में गाइस इसमें ये लोग और भी कई फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं वुमेन क्रिकेट को रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पे कमेंट्री भी ऐड नहीं हो तो बिना कमेंट्री के मैच खेलने भी मजा नहीं आता। तो गाइस आने वाली अपडेट हो सकता है वुमेन क्रिकेट में कुछ ना कुछ ऐड करा जाए, हो सकता है कमेंट्री इसमें ऐड कर दी जाए। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट और भी आप लोगों को फीचर ऐड होने वाले हैं। तो गाइज इसमें आप लोगों को जैसे कि अभी न्यू बैटिंग शॉट भी इसमें आ सकते हैं, तो गाइज बहुत टाइम हो गया इसमें बैटिंग शॉट भी ऐड नहीं करे गए हैं, तो गाइज न्यू बैटिंग शॉट भी आने चाहिए, साथ ही में न्यू बॉलिंग एक्शन भी। तो गाइज ये सब बहुत टाइम हो गया, लगभग एक साल हो गया गेम को आए हुए, तो ना ही न्यू शॉट ऐड हुए, ना ही इसमें बैटिंग शॉट के अलावा ना ही इसमें बॉलिंग एक्शन जो भी मतलब आते हैं रियल बॉलर के बॉलिंग एक्शन, वो भी इसमें ज़्यादा अच्छे मतलब ऐड नहीं करे गए हैं। तो गाइज कुछ ही बॉलर के बॉलिंग एक्शन आपको इसमें रियल दिखते हैं, बाकी मतलब ऐसे ही हैं। तो गाइज में आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं मतलब ये सब जितने भी बैटिंग शॉट हैं बॉलिंग एक्शन है जितनी भी चीज़ें नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है आपको चेंज कर दी जाए। साथ ही में गाइज में हो सकता है स्कोर बोर्ड का, गाइज ये बहुत बड़ा अपडेट नहीं है स्कोर बोर्ड का फीचर की गाइज स्कोर बोर्ड के रिलेटेड, तो गाइज स्कोर बोर्ड हो सकता है आप लोगों को ऐड करके देखने को मिल जाए। तो गाइज स्कोर बोर्ड अगर थोड़ा सा नया और यूनिक स्कोर बोर्ड होगा मतलब किसी से रिलेटेड हो, तो ये लोग जैसे अपना जैसे बनाते तो रियल जैसे स्कोर बोर्ड जैसे आप लोग मैच में देखते, अगर ऐसा कुछ स्कोर बोर्ड हो तो खेलने में ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक फीलिंग आती है। तो गाइस और भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग फीचर है, तो गाइस ड्रेसिंग रूम में भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग फीचर है, तो गाइस ड्रेसिंग रूम का भी फीचर इसमें ऐड होना चाहिए। तो गाइस जैसा कि इसमें आप लोगों को पता है कि प्लेयर जैसे बाहर निकलता है ड्रेसिंग रूम से बढ़िया तैयार यार होके, तो ऐसा कुछ छोटा सा एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं या ऐसा कुछ इसमें फीचर ऐड करें कि हाँ थोड़ा शूज बांध रहा है या फिर ऐसा कुछ बढ़िया सा मतलब बैट एड को सही करते हुए बढ़िया से अपने तैयार होकर बाहर आता है, तो ऐसा कुछ अगर इसमें ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मैच होने वाला है गेम। तो गाइस ये गेम खेलने में आप लोगों को फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ऐसा अगर कुछ ऐड करते तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही में आप लोगों को मैंने बताया कि पिच रिपोर्ट का भी फीचर अगर ऐड हो जाए तो फिर क्या कहने भाई, बट गाइज नेक्स्ट अपडेट में इतने सारे फीचर आना आसान नहीं होगा, तो गाइज इसमें से कुछ फीचर ऐड हो सकते हैं, आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कौन उसमें आप लोग को क्या मानना है कि कौन से फीचर आएंगे आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर इसकी रिलीज डेट की बात करी जाए तो इसकी रिलीज डेट आप लोगों को फर्स्ट वीक अपडेट देखने को मिल सकता है, अगर नहीं आता है तो आप लोगों को IPL से पहले पहले जरूर देखने को मिल जाने वाला है। तो फिलहाल गाइज आज के लिए बस नहीं, मिलूंगा आप सभी को बहुत ही जल्दी, नए वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।